आज जो हम सर्जरी कर रहे हैं ये पिनाइल लेंथनिंग है, जो कि हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन इसमें हम फैट ग्राफ्टिंग नहीं कर रहे, सिर्फ लेंथनिंग कर रहे हैं। उसका एक बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है, पेशेंट की डिमांड तो है, लेकिन इनका बेसिकली बरेड पेनिस, बरेड पेनिस मतलब कि जब इरेक्शन होती है तब तो पेनिस फिर भी ऊपर आ जाता है, लेकिन जब इरेक्शन नहीं होती तो वो जो पेनिस के ऊपर पेट होता है उसके फैट के अंदर पेनिस रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे पेनिस में मैंने इसका एक केस भी दिखाया था, अमेरिका से आया था हमारे पास पेशेंट जिसका हमने ऑपरेट किया था। ऐसे केस में अगर आप फैट डाल दोगे पेनिस के चारों तरफ, जो कि हम फैट ग्राफ्टिंग में डालते हैं, और ऑलरेडी पेनिस बरेड है फैट में, तो वो और ज़्यादा बरेड हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ऊपर से जो प्री प्यूबिक फैट है, यानी जो पेनिस के ऊपर पेट होता है, उससे जो फैट है उसको निकाल लिया जाता है, उस फैट को यूज़ नहीं किया जाता, और फिर लिगामेंट रिलीज किया जाता है और नीचे वेंट्रल फैलोप्लास्टी यानी जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाला जाता है। कई बार पेनिस जब बहुत ज़्यादा अंदर दबा हुआ हो तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइपोसक्शन की जाती है और वेट किया जाता है थोड़े दिनों तक, 2-3 महीने तक, उस स्किन को लूज़ होने, क्योंकि अगर हम फैट निकाल देंगे तो स्किन एक्स्ट्रा हो जाएगी, धीरे धीरे स्किन लूज हो जाएगी, फिर उस एक्स्ट्रा स्किन को निकालते हैं तो पेनिस की लेंथ अंदर से बढ़ी हुई नज़र आती है। जैसे ये पेशेंट हमारे पास आया था, अब हमने इनका ये किया एपिनाइल लेंथनिंग, तो ऑन टेबल ही कम से कम हमें इनकी 1.5 इंच से ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होते दिखाई दे रही है। और पेशेंट अगर हम इनकी फैट ग्राफ्टिंग कर देंगे तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, और ये रेयर केस है, मतलब ये जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आमतौर पर हम पेनाइल लेंथनिंग के साथ फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन अगर बरेड पेनिस हो तो फैट ग्राफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और सिर्फ लेंथनिंग करनी चाहिए। अभी शाम का वक्त है, अभी इनका ऑपरेट करके कल सुबह इनको मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर देंगे। एक रात को तो हम स्टे कराते ही हैं जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देते हैं, यानी पीठ में सुन करते हैं, और अच्छा रहता है क्योंकि दूर से पेशेंट आते हैं। टाके मैंने बताया हुआ है बहुत बार कि कोई डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंडेज नहीं करानी है आपको, इसके बाद आप पूरी तरह से घर वापस जा सकते हैं और आपको इसके फॉलोअप में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन की मेडिसिन होती है।